हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे मैशले मैजिक एंड मसल के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड वाले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉट की हालत तो सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो कैसे भी करके लॉरेन को सिल्वा से बचाना चाहता है। लेकिन अब सिल्वा डॉट के सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर वो लॉरेन को बचाना चाहता है तो फिर उसे सिल्वा की तरफ से 5 अटैक सहन करने होंगे और साथ ही साथ मैशले को भी 5 अटैक सहन करने होंगे। और अगर डॉट शर्त जीत जाता है तो फिर सिल्वा उसे अपना एक सिल्वर कॉइन भी दे देगा। लेकिन डॉट सिल्वा को बताता है कि मैश का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सिल्वा डॉट की बात नहीं मानता और उस अकेले को 10 अटैक सहन करने के लिए मजबूर करता है। अब डॉट मैशले और लॉरेन दोनों की जान बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा होता है और अब सिल्वा अपना सबसे पहला अटैक करता है जिसका नाम होता है आयरन फिस्ट। इस अटैक से डॉट की हालत सच में बहुत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन डॉट फिर भी हार नहीं मानता और सिल्वा के और अटैक झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे करते करते सिल्वा डॉट पर 9 हमले कर देता है जिसके बाद भी डॉट को कुछ नहीं होता। लेकिन डॉट मन ही मन खुद से कह रहा होता है कि इस तरह से पिटता हुआ भले ही वो बेवकूफ लग रहा होगा लेकिन वो किसी भी लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता और उसके दिल में लॉरेन के लिए अलग जगह है, इसीलिए वो लॉरेन को किसी भी हाल में बचा कर रहेगा। अब की बार सिल्वा का 10th अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और डॉट को बहुत ज्यादा चोट लगती है, पर इसके बावजूद भी वो खड़ा होता है जिसे देखकर सिल्वा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि डॉट ने आखिर उसके इतने पावरफुल अटैक्स सहन कैसे किए। अब डॉट सिल्वा को अपना प्रॉमिस रखने के लिए कहता है और उससे लॉरेन और मैशले को छोड़ने के लिए बोलता है। लेकिन सिल्वा जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो तो सिर्फ धोखे से सबको फंसाना चाहता था। डॉट तुरंत मैशले को लॉरेन के साथ भागने के लिए कहता है, पर तभी लॉरेन सिल्वा के साइड आकर खड़ी हो जाती है और डॉट के ऊपर हंसते हुए कहती है कि उसे डॉट जैसे चिपकू टाइप के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। डॉट को समझ आ जाता है कि लॉरेन ने भी उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो पूरी तरह से टूट चुका था। और अब सिल्वा और लॉरेन दोनों मिलकर डॉट पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी मैशले अपना एक क्रीम पफ सिल्वा के मुंह पर फेंक कर मारता है जिससे सिल्वा का मुंह बंद हो जाता है। मैशले अब सिल्वा को चैलेंज करते हुए कहता है, तुमने हद पार कर दी है और अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे 10 बार हिट करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। दूसरी तरफ लेंस ने एक स्कॉर्पियन को हरा दिया था लेकिन वो अभी भी इस बात की चिंता में था कि मैशले ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिन और लेमन लेंस को बताते हैं कि मैशले को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन लेंस उन दोनों को बताता है कि मैशले अब तक सिर्फ व्हाइट मैजिक यूजर्स से लड़ा है जो कि एवरेज मैजिक यूजर्स होते हैं, लेकिन रेड मैजिक यूजर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो कॉम्बैट में भी माहिर होते हैं। खासकर डबल लाइन मैजिक यूजर्स तो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनके सामने मैशले नहीं टिक सकता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वा को मैशले की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहता है कि मुझे तुम जैसे जादूगर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। ऐसा कहते ही सिल्वा डॉट को पकड़कर जमीन पर जोर से पटकने ही वाला होता है कि तभी मैश बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। सिल्वा मैशले को नोटिस करता है और बीच में एक आयरन वॉल क्रिएट कर देता है जिससे कि मैशले का हमला ब्लॉक हो जाता है। अब सिल्वा डॉट को बड़ी दूर फेंक देता है। सिल्वा हंसते हुए मैश को बताता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि सिल्वा जब फर्स्ट ईयर में था तभी उसने 2 गोल्ड कॉइंस जीत लिए थे। अब वो मैश पर अपने आयरन फिस्ट अटैक से हमला करता है जिसकी वजह से मैश को काफी चोट आती है, पर अब की बार वो सिल्वा के अटैक को रोक लेता है और उसे अपने हाथों से क्रश कर देता है। ये देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसने मेरा इतना पावरफुल अटैक कैसे रोक लिया। लेकिन अब वो गुस्से में मैशले के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है। हालांकि मैश उसके हर एक अटैक को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। मैश का पंच खाकर सिल्वा बहुत दूर जाकर गिरता है जिसे देखकर लॉरेन भी हैरान हो जाती है। सिल्वा को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश पर लगातार हमले करने लगता है, पर मैश पहले से ही तैयार था और वो अपने सभी मसल्स को टाइट करके
सिल्वा के सभी अटैक्स को तोड़ते हुए उसे पेट में एक घूसा मारता है। अब की बार सिल्वा जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और उसे समझ आता है कि वो आगे और नहीं लड़ पाएगा। तभी मैशले चुपचाप जाकर दूर बैठ जाता है और सिल्वा से कहता है कि तुम्हारे पास और 8 मौके बचे हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी हमला करो। मैशले का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर सिल्वा सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ आता है कि अगर मैशले ने उसे एक बार और पंच किया तो वो वहीं मर जाएगा। लेकिन तभी वहां पर मैशले के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसे सिल्वा देख लेता है और मन ही मन कहने लगता है कि ये स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी, जिसके सर पे स्टार है। जब ये स्कॉर्पियन मैशले पर हमला करेगा तब उसी मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। पर तभी मैशले उस स्कॉर्पियन को एक चांटा मारकर वहाँ से हवा में उड़ा देता है और कहता है कि फिलहाल वो बिजी है, इसीलिए वो स्कॉर्पियन से बाद में निपटेगा। अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे और सिल्वा तो और बुरी तरह से डर चुका था। स्कॉर्पियन का स्टार भी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन अब मैशले सिल्वा के पास आकर उससे कहता है कि मुझे सच में तुम पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, क्योंकि वो मैशले का एक भी अटैक पूरी तरह से सहन नहीं कर पाया, इसीलिए वो इस फाइट को यहीं पर रोकना चाहता है। मैशले के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद सिल्वा पूरी तरह से टूट चुका था और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइंस जीते थे, फिर मैं इस मैशले से कैसे हार सकता हूँ। अब मैशले लॉरेन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करती है और कहती है कि उसे सिल्वा ने ही ये सब करने के लिए फोर्स किया था और वो बिल्कुल इनोसेंट है। मैश पीछे से आकर लॉरेन को हक करता है, जिसे देखकर लॉरेन को लगता है कि मैशले भी उसके प्यार के जादू में फंस गया है। पर तभी मैशले उसे पीछे से उठाकर जमीन पर पटक देता है, यानी कि वो उसे सुप्लेक्स दे देता है और कहता है कि जब वो मारने पर आता है तो जेंडर नहीं देखता। अब इसके बाद मैशले वापस अपने दोस्तों से मिल जाता है, जहां पर वो सभी मैशले की खूब ज्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने सिल्वा को सबक सिखाया था और एक स्टार शेप वाले स्कॉर्पियन को भी हराया था। डॉट भी वहीं पर खड़ा था और वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैशले इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। हालांकि वो मैशले को फिर भी अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और मैशले उसे माफ भी कर देता है। पर लैंस अभी भी सोच में पड़ा हुआ था और वो मैशले को बताता है कि ये सब लैंगडॉर्म ने ही किया है और उन्होंने ही सिल्वा को मैशले पर हमला करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के कॉइन छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ लैंस सबको ये भी बताता है कि लैंगडॉर्म का अगला शिकार अब एल्डर डॉर्म ही है, इसीलिए उन सबको सतर्क रहना होगा। और तभी मैशले के पॉकेट में कुछ चमकने लगता है और वो देखता है कि उसके पास जो 5 सिल्वर कॉइन्स थे वो मिलाकर एक गोल्ड कॉइन बन गया है। यहाँ पर मैश सबको बताता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस एकेडमी में अलग अलग डॉर्म्स मौजूद हैं। पर फिन मैशले से कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को पहले दिन ही अलग अलग डॉर्म्स में डिवाइड किया गया था और जब मैश भी यहाँ आया था तो उसे भी किसी डॉर्म में डाला गया था। यहाँ पर मैशले को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसे पता चलता है कि जब वो पहली बार इस एकेडमी में आया था तब सभी स्टूडेंट्स एक स्केलेटन वाले यूनिकॉर्न पर हाथ रख रहे थे जो कि उनका दिमाग पढ़कर सबको अलग अलग डॉर्म्स में डाल रहा था। पर जब मैशले की बारी आती है और वो उसी यूनिकॉर्न के सिर पर हाथ रखता है तब यूनिकॉर्न काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैशले के दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ ही आता है। तभी वो यूनिकॉर्न खुद कंफ्यूज होकर मैशले को एल्डर डॉर्म में डाल देता है। आगे लेंस मैशले को बताता है कि उसके पास अब एक गोल्ड कॉइन है, इसीलिए उसे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगले दिन मैशले अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है लेकिन उसे पता ही नहीं था कि क्लास कौन से रूम में है और उसको एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलने की सोचता है पर वो फिर से भूल गया था कि उसे दरवाजे को पुश करना है या पुल। अब हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर लैंगडॉर्म की ही मीटिंग चल रही थी, जहां पर सिल्वा एबेल से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो एल्डर डॉर्म से हार कर आया था। एबेल सिल्वा पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था, इसीलिए वो उसे अपने मैजिक से एक डॉल बना देता है। दोस्तों, एबेल के चेहरे पर 3 मैजिक लाइंस हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो पहले भी कई सारे स्टूडेंट्स को डॉल बनाकर यहाँ टांग चुका है। एबेल यही चाहता था कि उनके जैसे रॉयल ब्लड ही डिवाइन विजनरी बने, ना कि कोई आउटसाइडर। और हम देखते हैं कि उसकी गोद में भी एक डॉल है जिसे वो मॉम कहकर पुकार रहा था। इनकी ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी मैशले गलती से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एबेल से कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वो एक डॉल के साथ बात कर रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों ये लोग अब मैशले का क्या हाल करेंगे, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।